वर्ष 1959 में हिमाचल प्रदेश के एक स्थान पर हुए संघर्ष में अनेक जवानों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। इस घटना की याद में पुलिस हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाती है। जांजगीर चांपा जिले में इस अवसर पर एक वर्ष के भीतर बलिदान हुए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहीदों के परिजनों का सम्मान इस कार्यक्रम में किया गया। वर्ष 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के हॉट स्प्रिंग नामक जगह पर सीआरपीएफ के जवानों ने चीन की सेना के साथ मुठभेड़ में शहादत हुई थी, उनकी स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पिछले एक वर्ष में विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं अर्धसैनिक संगठनों के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जांजगीर में भी पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें पिछले एक वर्ष में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, उनके नाम का वाचन किया गया। और इस अवसर पर हमारे ज़िले के सभी जो विभिन्न जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और उनसे उनका सम्मान किया गया और उनकी समस्याओं के संबंध में उनसे चर्चा की गई। ये बढ़िया आयोजन किया गया था। पुलिस स्मृति दिवस हर साल मनाया जाता है 1959 से लेकर आज तक, और सभी शहीद जवानों का सम्मान किया जाता है, उनके परिवार वालों का सम्मान किया जाता है, तो आज भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया गया। राजीव हूँ, मेरा लड़का सन 2018 30 अक्टूबर को शहीद हुआ था। ये चूँकि ये आज 21 अक्टूबर है, शहीदी दिवस के रूप में यहाँ हर साल मनाते हैं, और ये सबसे पहले सन 1959 को 10 जवान बॉर्डर में, चीन के बॉर्डर में शहीद हुए थे, उनकी याद में इनको शुरू किया गया था। अब ये सारे शहीदों को सम्मिलित कर लिया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है,